द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव आयोग के नियम क्या सिर्फ दिखावे के लिए हो गए? ये सवाल चुनाव आयोग पर बार बार खड़ा हो रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर तेजस्वी सूर्या तक के बयान जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बयानों से साफ लग रहा था कि चुनाव को भुनाने के लिए, बहुसंख्यकों के वोट पर हाथ आजमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी जा रही थी, कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग सुन नहीं रहा था। और आखिरकार अब चुनाव आयोग ने एक कार्रवाई करके ये बताने जताने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग सक्रिय है। लेकिन आप ज़रूर इस बात पर बताइएगा, क्या वाकई में चुनाव आयोग की यह कार्रवाई ये बताती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहा है? दरअसल विकसित भारत का एक मैसेज लोगों को भेजा जा रहा था, एक व्हाट्सएप संदेश भेजा जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजा जा रहा था। अब उस विकसित भारत के मैसेज को भेजने की बात जो है वो चुनाव आयोग ने संज्ञान में ली और चुनाव ने कहा ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। ये सीधे तौर पर बात कही गई है, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, कहा तुरंत बंद कर दें। यानी हो सकता है कि वो जो पुराने मसले चल रहे हों, प्रधानमंत्री जी की बात हो या तेजस्वी सूर्या की बात हो, चुनाव आयोग की उस पर कार्रवाई करने की बात हो, चुनाव आयोग ये अब जताना दर्शाना बताना चाहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई हुई है। खैर, आप जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के कितने माध्यम बना रखे हैं, किस तरीके से मैसेज के माध्यम से और भी कई माध्यम जो बना रखे हैं, जो आचार संहिता के दरमियान भी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने मामले दर्ज होते लेकिन कितनों पर कार्रवाई होती, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। मामले होते रहते हैं, कार्रवाइयों की बात होती रहती है, लेकिन उन पर कार्रवाई शायद कभी नहीं हो पाती है। यही वजह है कि ये मामला, यानी प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो तमिलनाडु में दिया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं और पार्टियों पर निशाना साधते साधते धर्म को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा बातें कही गई थी, उसको लेकर मामला तूल पकड़ रहा था। तो अब इस मामले पर कार्रवाई करके शायद ये बताने की कोशिश की गई है कि चुनाव आयोग सक्रिय है। तो अब आप ही डिसाइड करिए कि वाकई में क्या चुनाव आयोग अपनी सक्रियता दिखा रहा है, क्या चुनाव आयोग को वाकई में लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, कहा तुरंत बंद कर दें, कहा कि तुरंत इसको बंद कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ईसी सख्त कदम उठा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में नज़र आ रहा है। बीते कुछ दिनों से विकसित भारत नाम से भेजा जा रहा व्हाट्सएप मैसेज मोदी सरकार का चुनाव प्रचार कर रहा था, अब चुनाव आयोग ने इस मैसेज पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा कि अगर आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े संदेश भेजे जा रहे हैं तो उन पर फौरन रोक लगनी चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को इस बाबत की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए कि यह कार्रवाई की गई है। ये सीधे तौर पर मैसेज भेजकर कहा गया है कि इस तरीके की अगर गतिविधियां हो रही, इस तरीके की चीज़ें हो रही, तो इस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। इससे पहले निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नागरिकों के फ़ोन पर इस तरह के मैसेज अभी भी जा रहे हैं। यानी आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरीके के मैसेज भेजे जा रहे हैं आम जनता के बीच, विकसित भारत के मैसेज, और जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। आयोग से निर्देश मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, हालांकि उनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए। वहीं आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर तुरंत ही एक्शन लेने की भी बात कही और रिपोर्ट भेजने की भी बात कही है। फिलहाल ये एक तो एक बहाना बनाया जा रहा है इस पूरे मसले को रोकने के लिए कि आखिरकार ये नेटवर्क की समस्या थी, बाद में डिलीवर हुए, ये मैसेज पहले भेजे जा रहे थे। लेकिन आप भी बखूबी जानते हैं किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप जान रहे हैं जो ये विकसित भारत का मैसेज भेजा जा रहा था, इससे ये साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। यानी विकसित भारत मैसेज भेजकर ये बताने की कोशिश थी कि विकसित भारत में आप योगदान करिए, आप मोदी जी के काम में जुड़िए और मोदी जी को वोट दीजिए, इस तरीके की चीज़ें भी की जा रही थी। विकसित भारत कह के 400 पार का नारा दिया जा रहा था। आप देखिए BGMY की तरफ से विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार, इस तरीके के नारों को भी भेजा जा रहा था।
तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई है ये अपने आप में ये दर्शाती है कि अब चुनाव आयोग सक्रिय हो गया। लेकिन सवाल एक जगह ये भी है कि क्या चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सक्रियता दिखा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब देखिए INC TV की तरफ से इस मामले को भी तरजीह दी गई है, लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को भेजे जा रहे विकसित भारत टाइटल वाले व्हाट्सएप संदेश पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो विकसित भारत संपर्क के तहत व्हाट्सएप संदेश तुरंत भेजना बंद कर दे। यानी जो व्हाट्सएप के माध्यम से ये भेजा जा रहा था ये ठीक नहीं है। कपिल शर्मा नाम के एक ट्विटर यूज़र है, वो लिख रहे हैं कि अब की बार फलाना पार वाले कांप रहे हैं। हालात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को 30 साल पुराने 1994 से 95 असेसमेंट ईयर के नोटिस भेजने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है कि चुनाव लड़ने से रोका जा सके, इसलिए ऐसा भी होगा आने वाले समय में। तो आप समझ सकते हैं कि ये विकसित भारत का जो मैसेज है वो भेजा जा रहा था। आप देखिए प्रभाकर कुमार मिश्रा निकल, चुनाव आयोग ने विकसित भारत के वाले मैसेज भेजने पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। अब आप समझ नहीं आ रहा है कि मतलब देखिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये BJP के लिए तो बहुत मुसीबत बढ़ने वाली है। HSI लिख रहे हैं कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हुई है, ये बड़ी चीज़ है जो कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से हुई है। MA दीक्षित लिख रहे हैं कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ार क्यों किया, पहले ही भेजा जा चुका है, अब उस पर क्या एक्शन होगा। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार अब उस पर क्या एक्शन होगा, अब तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, ये आदेश मानेगा कौन। फिरोज खान लिख रहे हैं कौन मांगनेगा, शैलेंद्र यादव कह रहे हैं सराहनीय कार्य। मतलब ये भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि इसको कौन मानेगा, कौन चुनाव आयोग की बात को मानता है या फिर इस पर एक्शन होगा। अभिषेक लिख रहे हैं कि तुरंत कहने में आयोग ने 4 दिन लगा दिए, यानी तुरंत बंद करो ये कहने के लिए सिर्फ 4 दिन लग गए चुनाव आयोग की तरफ से। यानी चुनाव आयोग ये चाह रहा था कि चीज़ें पहले पहुंच जाएं, उसके बाद जो है चीज़ों को रोकने के लिए आगे सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई और सख्त टिप्पणी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग का रवैया आखिरकार पहले से ही ऐसा क्यों है, क्यों चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई त्वरित नहीं दिखाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मसले पर जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। दरअसल सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब ढूंढने और तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल आप समझ रहे हैं किस तरीके से चुनाव आयोग जो है कर रहा है, चुनाव आयोग पर शिकायतें पहुंच रही हैं। चुनाव आयोग का ये एक्शन हुआ है मोदी सरकार के विकास कार्यों को विकसित भारत के रूप में लोगों के मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेजा जा रहा था, व्हाट्सएप के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, लेकिन सवाल यही है क्या मोदी जी के उस बयान पर भी एक्शन लिया जाएगा जिसमें धर्म की बात की गई थी, क्या तेजस्वी सूर्या पर भी एक्शन लिया जाएगा जो धरना प्रदर्शन करने लगे थे, एक पूरे मसले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी सूर्या, यह क्या कार्रवाई BJP नेताओं पर होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।